हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ। आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैं बगीचे से आम को तोड़ लेती हूँ। हमारे बगीचे में आप देख सकते हैं नींबू का पेड़ है। नींबू अभी पके नहीं हैं, सिर्फ हरे ही हैं। मैं आम तोड़ लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितने आम लगे हैं। ये आम देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आम का अचार बनाने के लिए हमने आम तोड़ लिए हैं। अब मैं आप लोगों को अपने खेत की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए, हमारे खेत में भुट्टा भी लगे हैं और भिंडी भी लगी हुई है। हमारे खेत में एक कटाना भी बना हुआ है, इसी पे बैठे कर सभी बच्चे हमारे देखभाल करते हैं खेत की। हमारे खेत में खीरा, कद्दू, लौकी, और तोरई भी लगी हुई है। आप लोग देखिए हमारा खेत देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम घर को चलते हैं। ये देखिए, रास्ते में एक तालाब भी पड़ता है। अब मैं अचार बनाने के लिए आम काट लेती हूँ। आम को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। आज मैं आम का सूखा अचार बनाऊंगी। इसी तरह से मुझे जितने आमों का अचार बनाना है मैं उतने आमों को काट लेती हूँ। आम हमने काट लिए हैं। अब मैं इन आमों को अच्छे से धोकर साफ कर लेती हूँ। अचार बनाने के लिए ये आम हमारे 10 किलो हैं। आम हमने धो लिए। अब मैं इसमें हल्दी,
और नमक मिला लेती हूँ। हल्दी और नमक मिलाने से अचार का जो पानी होता है वो छूट जाता है, पानी निकलने से नहीं अचार ख़राब नहीं होता है। हल्दी और नमक हमें शाम को लगाना है, सुबह उठकर मैं इन्हें धूप में डाल दूंगी। रात भर रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी छूटा है। अब मैं इन अचार को धूप में डाल देती हूँ। इन्हें हमें 5-6 घंटे धूप में डालना है। जब तक अचार सूखता है तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये हमने मेथी, सौंफ, कलौंजी, जीरा, धनिया हमने पहले ही भून कर पीस लिए है। अब मैं इन मसालों को भून लेती हूँ। इन मसालों को हमें धीमी गैस पर भूनना है। मसाले हमने भून लिए हैं। अब मैं इन मसालों को सिलबट्टे से दरदरा कूट लेती हूँ। मसालों को हमें ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। मसाले हमने पीस लिए हैं। अब मैं अचार में लगाने के लिए लहसुन पीस लेती हूँ। लहसुन अचार में मिलाने से अचार का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। लहसुन भी हमने पीस लिया है। पाँच छः घंटे हो गए हैं। अब मैं अचार बना लेती हूँ। इन आमों को हमने धूप से उठा लिया है। सबसे पहले मैं इसमें तेल लगा देती हूँ। लाल मिर्च और ये मसाले हमने जो भून कर पीसे थे वो मिला लेती हूँ। भुनी धनिया, नमक स्वाद अनुसार हमें मिलाना है। लहसुन और इन सभी चीज़ों को मिला लेती हूँ। इन सभी मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इन आमों में सिरका लगा देती हूँ। सिरका हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा ही लगाना है। सिरका लगाने से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है और तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से अचार में मिला लेना है। अचार को हमने मिला लिया है। अब एक डिब्बे को हमने धूप में सुखा लिया है। अब इसी डिब्बे में मैं अचार को भर देती हूँ। डिब्बे में रखने के बाद एक दो दिन धूप में रख देना है। धूप में रखने से अचार बहुत जल्दी गल जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। अचार हमारा बहुत अच्छे से बन गया है। इस तरह का अचार 2-3 साल तक ख़राब नहीं होता है।